देख लेते हैं कि कटहल की सब्जी में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कटहल जिसे मैंने छोटे पीसों में काट लिया है, अदरक लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया है, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च को मैंने मोटी काट ली है 2-3 टुकड़ों में, टमाटर, प्याज, प्याज हम बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट लिए हैं, सूखे मसाले में जाएगा धनिया, हल्दी, चिकन किंग मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, तेल, मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है इसमें, और खड़े मसाले में मैंने लिया है लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, सौंफ, जीरा, तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची और ये जावित्री, धनिया के पत्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। एक पैन हमने ले लिया है, इसमें डालेंगे जरा सा ऑयल जिसमें हम अपने कटहल को भून लेंगे। थोड़ा सा ऑयल 2-3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है। तेल जैसे ही गर्म होगा उस पर हम कटहल डाल के अपने भून लेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे अपने कटहल। देखिए कटहल हमारा भून गया है। एक कुकर, आज हम कुकर में सब्जी बनाएंगे, ये झटपट बन जाती है। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे अपने खड़े मसाले। देखिए कुकर हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे अपने सारे खड़े मसाले। इसमें डाल देंगे हम अदरक और लहसुन जो हमने कूट के रखा है। अदरक लहसुन जैसे तड़का सब भून जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज, हम भी प्याज काट के रखते हैं। अदरक लहसुन हमारे भून चुके हैं, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इसमें हम डाल देंगे अपने प्याज। ऐसे काट के रख लेंगे। प्याज का कलर हल्का सा चेंज होगा, इसको डाल देंगे हम अपने सारे सूखे मसाले। अभी हम डाल रहे हैं हरी मिर्च, हम भी काट के रखती है। प्याज का कलर हमारा हल्का हल्का सा चेंज हो जाता है, थोड़ा और भूनेंगे। देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह से भून गई है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस पर डाल देंगे अपने सारे सूखे मसाले। नमक अपने स्वाद अनुसार लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सारे सूखे मसाले इसमें हमने डाल दिए, इसको अच्छी तरह चलाते हैं। जरा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारे मसाले जलेंगे। देखिए
मसाले हमारे भुन चुके हैं, साइड पे तेल आने लगा है, मतलब मसाले हमारे भुन गए हैं। अभी हम डालेंगे इसमें अपने टमाटर। इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी बनाने में बड़ी सिंपल है पर खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा, फिर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कटहल की सब्जी आपको कैसी लगी। एक दो मिनट और मसाले अच्छी तरह चलाते हुए भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। एक दो मिनट और ऐसे भून लेते हैं। देखिए मसाले का कलर कितना प्यारा आया है। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है और टमाटर भी जरा सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज में जाएगा जरा सा हरा धनिया। ये हरा धनिया हम अभी डाल रहे हैं और इस पे मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच पानी। 2 चम्मच मैंने इस पे पानी डाल दिया है। हमने 1 से 2 चम्मच पानी डाल दिया है और हम अभी ढक्कन लगा देंगे और 1 से 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। अभी हमने इस पे कटहल नहीं डाला है। 1 से 2 सीटी आने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। देखिए गैस की सीटी हमारी निकल चुकी है। अब हम चेक करते हैं अपना मसाला। मसाला हमारा पक चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा 1 चम्मच से इसी तरह मैश कर देंगे। दबा दबा के इसी तरह मैश कर दीजिए। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसी तरह हमने चला चला के मैश कर लिया इसको। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इस पे डालेंगे हम अपने कटहल। देखिए हमने सारे कटहल को इसी में मिक्स कर दिया है और हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा कलर आया मसाले का। देखिए इसी में हमने मिक्स कर लिया है। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको चला लेंगे। एक से दो मिनट हो गया है। एक तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है ग्रेवी के लिए। आपको कितना रस चाहिए उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए। गर्म पानी ग्रेवी में ऐड कीजिएगा, उससे उसका टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए मैंने इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब इस पर जरा सा डालेंगे हम कस्तूरी मेथी। इस पर हम डाल देंगे जरा सी अपनी कस्तूरी मेथी और ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। 2 से 3 सीटी हो गई है। कुकर ठंडा होने के बाद हम इसे खोलते हैं। हमारा ठंडा हो चुका है। आइए देखते हैं सब्जी को चेक करते हैं हमारी सब्जी पकी है कि नहीं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारी सब्जी का और कटहल भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। चलिए सर्व करते हैं। देखिए सब्जी बनके हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको कटहल की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।